वन्य जीवों के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हमले में कई बार वन कर्मचारी घायल हो जाने या फिर मानसून के दिनों में जंगल में गश्त करते समय तस्करों के हमले की घटनाएं अब वन कर्मियों को फॉरेस्ट किट सुरक्षा प्रदान करेगी। हैवी मेटल से बनी यह किट इतनी मजबूत है कि इस पर किसी भी प्रकार के हमले का असर नहीं हो सकता। साथ ही साथ हैवी मेटल डिटेक्टर जंगल में उन खतरनाक चीजों का पता लगाएगी जो वन्य जीवों को जंगलों में तस्करों द्वारा मारने के लिए लगाई जाती है। तस्वीरें तराई पूर्व वन प्रभाग में एक ऐसी किट का ट्रायल किया जा रहा है जो वन कर्मियों को उस महत्वपूर्ण तरीके से सुरक्षा प्रदान करेगी जब घने जंगलों में तस्करों पर पैनी नजर रखते हुए गश्त करेंगे या किसी वन्य जीव के खतरनाक सर्च या रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देंगे। ये किट इतनी मजबूत है कि इस पर जंगली जानवरों के हमले का भी कोई असर नहीं हो सकता। यदि गश्त के दौरान यदि तस्करों से मुठभेड़ हो जाए तो किट पर हमले का हर बार नाकाम साबित होगा। किट के साथ एक हैवी मेटल डिटेक्टर का प्रयोग भी वन कर्मियों गश्त के दौरान करेंगे जो इस बात का पता लगाएगी कि जंगलों में वन्य जीवों को मारने या फंसाने के लिए कोई लोहे से बनी चाल या कांटा तो नहीं लगाया गया। फिलहाल तराई पूर्व वन प्रभाग में दो किट मंगाई गई है। जो है मानव वन्य जीव के जो प्रकरण हैं उसमें बहुत सारे जो जंगली जीव हैं उनको रेस्क्यू करना पड़ता है और टाइगर लेपर्ड आदि कुछ ऐसे जीव हैं जिनके रेस्क्यू के समय जो है कर्मचारियों की भी पूरी सुरक्षा जो है उसका ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। इसी क्रम में जो है अभी हमने दो रेस्क्यू किट्स बॉडी प्रोटेक्टर जो है वो क्रैक किए गए हैं जिसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि अगर कोई जंगली जानवर के साथ रेस्क्यू के दौरान एनकाउंटर होता है तो वो जो हमारा कर्मचारी है उसके प्रोटेक्शन के लिए वो प्रोटेक्शन किट जो है वो काफ़ी हद तक उसको कम से कम उसके सर गला एवं जो बॉडी है उस पर खरोचें आने से बचाया जा सकेगा। तो इसी क्रम में हमने दो जो है QRT क्विक रिस्पॉन्स टीम्स जो है जो वाइल्ड लाइफ की हैं उसका गठन किया गया था और प्रत्येक QRT टीम को जो है एक किट दी गई है और हमारे द्वारा इसको जो है रेस्क्यू के दौरान जो है इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है और अभी भविष्य में भी हमारे द्वारा कुछ अन्य किटें भी इस तरह की जो है उसका क्रैक किया जाएगा ताकि जो कर्मचारी फ्रंट लाइन पे है और रेस्क्यू के समय मानव वन्य जीव संघर्ष में जो है जूझते हैं उनके संरक्षण का उनकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाए। डिटेक्टर भी है मेटल। इसके अतिरिक्त जो है डिटेक्टर जो है जो बम स्क्वाड आदि के पास होता है उसको लिया गया है ताकि मेटल को डिटेक्ट जो है वो किया जाए। जब कभी किसी वन्य जीव को जो है गोली लग जाती है या कुछ और तरह का जो जो पोचर्स हैं उनको वो करते हैं तो उस टाइम पे उसको जो है उनकी बॉडी को उससे जो है स्कैन किया जा सकता है और उसमें अगर यदि कोई गोली है या कोई डिटेक्टर है ये मेटल है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य चीज़ों के लिए भी इस मेटल डिटेक्टर का जो है वो उपयोग किया जाएगा।